ये हमारा साड़ी ठीक है, पास से देख लीजिए मेकअप कैसा है। फैज आप बताओ, ठीक है? सही है, ठीक है, हाँ। I am ready। देखा मैंने इनकी 5,000 के पैसे बचा लिए। आप लोग बताइए कमेंट में कैसे लग रहा है, मेकअप कैसा हुआ बताओ ना, कैसा हुआ। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चले। अब हम फैज को दिखाते हैं आपको। हम तो वही है, सेम फटे पुराने। अरे नहीं, तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, सेम सेम। आपको कौन सा मेकअप करना है? मेरे बच्चा शरीफ बच्चा छल छलते हैं। गुड इवनिंग व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे, वेलकम बैक टू आवर चैनल शमा मंडी ब्लॉग। तो देखिए बजने जा रहा है 7:30 और आज हम आपको दिखाएंगे, आज हमें जाना है एक पार्टी में। तो आज हम तैयार होने जा रहे हैं। सबसे पहले तैयारी में सबसे पहले मैंने चूड़ियाँ निकाल के पहन ली और अब होंगे तैयार थोड़ी देर में, जब हम आपको दिखाएंगे। हमने सोचा हम कैसे तैयार होते हैं तो आपको दिखा दें किस तरह से। सबसे पहली स्टार्टिंग रहती है, तो हमने चूड़ी वूड़ी निकाल के तैयार हो गए। देखो ये थोड़ी मैचिंग करके, मेरी साड़ी का कलर ग्रीन और पिंक कलर है, उससे मिला के। चूड़ियाँ तो रहती नहीं हैं तो थोड़ी रखते हैं एडवांस में, हमारे पास रहती हैं, उसी में बस थोड़ी बहुत गोल्डन गोल्डन लगा के पहन लेते हैं हर बार, और हो जाती है हमारी तैयारी अचानक। तो होते हैं तैयार, दिखाते हैं हम आपको हम कैसे तैयार हुए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। चूड़ियों की मैचिंग करना भी बड़ी टेढ़ी खीर है, किस में किसको मिलाएं, क्या करें क्या नहीं करें, बस यही रहती है। चलिए तब भी मिला ली थोड़ी बहुत, तो मैचिंग हो ही गई। हम इसलिए स्लो बोल रहे हैं क्योंकि बाहर चल रही है ट्यूशन क्लास, फैज पढ़ रहे हैं ट्यूशन, उनकी ट्यूशन क्लास हो जाएगी और हम पढ़ लेंगे ईशा की नमाज, उसके बाद अब तैयार होना शुरू होंगे तो आपको हम दिखाएंगे। गाइज अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं, बाद में साड़ी पहनेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जैसे कि नॉर्मली हम सबसे पहले लगाते हैं मॉइस्चराइज़र। ज़्यादा मेकअप तो मुझे नहीं आता है करना, जो भी है हमारे पास। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें फेस को करने के लिए, हमने ये वाला लिया है का पीच ऑफ मिल्क और मैंने इसको लगाया ऐसे। आप लोग देखिए मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मेकअप की, लेकिन मैं बता रही हूँ जैसे मैं तैयार होती हूँ। ये मॉइस्चराइज़र सबसे पहले लगाएंगे और जो होता है प्राइमर वगैरह वो मैं यूज़ नहीं करती, मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल बिल्कुल सादा सा रहती हूँ तैयार। उसके बाद में हमारी रहती है पॉन्ड्स एज मिरेकल क्रीम। ये तो प्रचार हो गया, लेकिन आप जो भी क्रीम लगाते हैं उसको लगा लें, थोड़ा सा ही लगाएंगे टैप टैप करके। वो जो ब्लेंडर वगैरह रहता है वो भी मेरे पास नहीं है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग। और ये नेक पे ज़रूर लगाएं। अभी हम पूरा अपना करने के बाद आपको दिखाएंगे, तब आप बताइएगा कैसा होगा मेकअप। मैं कभी भी पार्लर नहीं गई, मैंने कभी भी पार्लर में मेकअप नहीं कराया, बस ऐसे ही अपने थोड़ा बहुत जो आता है वो कर लेती हूँ बस। और उसके बाद में आप लेंगे फाउंडेशन, बस मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, वो भी थोड़ा सा बिल्कुल HD का है ये, मेरी तो बेटी ला के दे देती, जो भी दे देती है मैं लगा लेती हूँ। इसके लिए ब्लेंडर होना ज़रूरी है, हल्का सा पहले कहते हैं प्राइमर वगैरह या कंसीलर, वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मेरे पास है भी नहीं है, मंगा लेंगे, ठीक है, खुशी अपनी बार ला देना। अच्छा फिर इसको अब हम लगा के फिर मिलते हैं आपके, बहुत बड़ी क्लिप हो जाएगी, सारा मेकअप इसी से हो जाएगा। तो इसको यूं अच्छे से फैला लें, मतलब सही से बिल्कुल, फिर ये फेस पाउडर कॉम्पैक्ट, भाई जो आता है मुझे वो तो मैं वही बोलती हूँ। अच्छे से इसको पूरे फेस पे लगा ले,
कानों पे भी लगाएं, गर्दन पर भी लगाएं, ज्यादा तो नॉर्मल सबको आता होगा, और लेडीज को तो बस सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, पता है बहुत खुशी होती है सजने संवरने में, जब पूरा लुक देखो तो मजा आ जाता है, खुश हो जाता है दिल। तो फिर हम पता है पार्टी में क्यों जाते हैं, सिर्फ तैयार होने को मिलता है, इसलिए खाने वाने का शौक नहीं है। आप लोगों का भी यही हाल होगा, बताना आप लोगों को भी सजना अच्छा लगता है, अच्छा बताइएगा कमेंट में बताइएगा, जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं सबको ही अच्छा लगता होगा। ये तो ना छोटे छोटे से बच्चे भी आजकल लड़कियां हैं हमारी भतीजी है, बड़ी खुश होती है सजने में, तैयार होने में, मुझे तैयार होना है, कैसी लग रही हूँ, अच्छे से बस लगा ले पूरे फेस पर ये, आईब्रो हल्की हैं तो उसको फील कर लें, और मेरी बहुत हल्की है, आधी आधी सी लगती है बस, थोड़ा सा लगाते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। तो ये रहा मेरा लुक, मेकअप हो गया मेरा कंप्लीट, अभी बस अभी लगो लाइनर नहीं लगाए, बस थोड़ा सा लाइनर लगाएंगे और साड़ी पहन के जा रहा है, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। हो गई तैयार, ये देख फ्रेंड्स, ये फैशन फ्रेंड्स मिल गए सारे कॉलोनी के, ये कॉलोनी मजा आया खाने में, क्या बताओ, खा लिया खाना, खा लिया, चलो फैंस रह गए अकेले, फैंस थोड़ा लेट हो गए, ट्यूशन पढ़ रहे थे, फ्रेंड मिल गए भाई, सबके फ्रेंड मिल गए, हम किसके साथ, तुम लोगों की मम्मी कहाँ है, मम्मी नहीं आई, नहीं आई, यहाँ देखिए मेरी फ्रेंड मिल गई शमा, शमा और शमामा की जोड़ी, ये दोनों खाओ भाई खाओ, ये इनकी मम्मी है, इधर मम्मी है, और ये सब द लेडीज का अलग कर रखा है उन्होंने, सही रहा, हाँ आराम से खा लेती हैं लेडीज, थोड़ा सा ना, माँ स्टेज पर तो दुल्हन बैठी हुई है,
बैठी हुई है। बाहर है हमारे मियाँ जी बच्चे। चलो अपने चाचा के साथ खड़े हो। ये इनके भतीजे मिल गए, भतीजे साहब हनी। हनी आप हमारा ब्लॉग देखते हैं? नहीं बिल्कुल, I always do. कैसा लगता है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये देखिए छोटी सी गुड़िया, क्या पी रहे हो बेटा? हमारे मिल गए नए सब्सक्राइबर, नए लोग। ये हैं हमारे बहुत पुराने देवर साहब और ये इनके बेटे। ये शादी में ऐसे ही सबसे मुलाकात हो जाती है। ये इनके भाई की शादी है। भतीजे साहब